हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, बहुमत के कितने प्रकार होते हैं उसे हम समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से उनका प्रयोग जो है, इस्तेमाल जो है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में किया जाता है उसे हम समझेंगे। मेजोरिटीज के तहत सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, उसके बाद फिर हम देखेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट इफेक्टिव मेजोरिटी एंड फाइनली वी विल सी अबाउट स्पेशल मेजोरिटी। एंड स्पेशल मेजोरिटी के तहत जो तीन कंडीशंस है उसे भी हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सिंपल मेजोरिटी को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बिल जो है किस तरीके से एक्ट बनता है, कानून बनता है और पूरे भारतवर्ष में उसे फिर लागू किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बिल जब पार्लियामेंट में लाया जाता है उसके बाद फिर उसके ऊपर डिस्कशन रखी जाती है, बहस होती है, बहस होने के बाद फिर उसके ऊपर वोटिंग करवाया जाता है, वोटिंग के बाद फिर डिपेंड करता है कि वह जो बिल है वो पास होगा या फेल। अगर वोटिंग में वह जो बिल है पास हो गया तो वह फिर भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास, एंड प्रेसिडेंट के पास जब वो बिल पहुंचा तब प्रेसिडेंट जब अपनी सहमति दे देंगे उस बिल को तो वह जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा और इस तरीके से पूरे भारतवर्ष में उसे अप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो बिल है वो एक्ट बनता है। तो अभी हम देखेंगे कि वो जो वोटिंग करवाई गई वो कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की मेजोरिटी जो है वो रखी गई है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ये मेजोरिटी के टाइप्स क्यों हैं? क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह ना तो रिजिड है पूरी तरीके से, ना ही वो फ्लेक्सिबल है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शली रिजिड है एंड पार्शली फ्लेक्सिबल है, इसीलिए कुछ जो बिल हैं उनको सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है एंड कुछ जो बिल हैं उनके लिए बहुत ही टफ सिचुएशन रखे गए हैं कि अगर उस मापदंड पे वह जो बिल है वो अगर खरा उतरता है तो ही वो जो बिल है वो पास हो पाएगा। तो इस तरीके से हमारे संविधान के जो निर्माणकर्ता थे उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि जो चीज़ें हैं वो मैनुपलेट ना की जाए एंड साथ ही साथ चीज़ों में बदलाव अगर लाने की ज़रूरत होती है वक्त के अनुसार तो उन बदलावों को भी हम एडप्ट कर पाए। ओके, तो सिंपल मेजोरिटी को अभी हम देखना शुरू करेंगे। सिंपल मेजोरिटी को हम वर्किंग मेजोरिटी भी कहते हैं। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी क्वेश्चन एंड देयर यू आर फाइंडिंग दिस वर्ड वर्किंग मेजोरिटी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि यार वर्किंग मेजोरिटी क्या होती है, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। सिंपल मेजोरिटी को ही हम वर्किंग मेजोरिटी कहते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि सिंपल मेजोरिटी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल मेजोरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। अगर आप राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस का उसे आप कंसिडर करेंगे एंड फ्रॉम दैट यू आर गोइंग टू डिडक्ट द वैकेंसी एंड यू आर गोइंग टू डिडक्ट एबसेंटीज, यानी जितने सीट वैकेंट है उस सदन में वहां से वो जो सीट है वैकेंट सीट है उसको आप डिडक्ट कर देंगे टोटल स्ट्रेंथ से, ठीक है। अगर आप राज्यसभा का केस कंसिडर कर रहे हैं तो आप राज्यसभा का टोटल जो स्ट्रेंथ है उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही है, टोटल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो प्रेजेंट कंडीशन में जो टोटल स्ट्रेंथ रहेगा राज्यसभा का उसमें से हम वैकेंसी एंड एब्सेंटीज को माइनस कर देंगे तो जो स्ट्रेंथ बचा उसमें से हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल मेजोरिटी। तो जो स्ट्रेंथ बचा उसमें से मोर देन 50% लोगों ने अगर उस बिल के फेवर में वोट किया है तो वो जो बिल है पास हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोकसभा का केस कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेंथ है हम लोकसभा का कंसिडर करेंगे एंड उसी तरीके से जो वैकेंट सीट है उसको डिडक्ट कर देंगे एंड हम एबसेंटीज को डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी जो है वो होती है मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर डिडक्टिंग वैकेंसी एंड एबसेंटीज, सो व्हाट विल बी द लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन विल बी प्रेजेंट एंड वोटिंग पीपल, ठीक है। जो लोग प्रेजेंट हैं एंड वोट दे रहे हैं उनमें से 50% से अधिक लोगों ने अगर उस बिल को अपनी सहमति दी तो वो जो बिल है वो पास हो जाएगा। इट इज मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये आपको सिंपल मेजोरिटी के अंदर याद रखना है, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस की तरह यूज किया जाता है एंड सिंपल मेजोरिटी के द्वारा जो बिल है वो पास कर लिए जाएंगे। तो चलिए अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। तो मान के चलते हैं कि लोकसभा का अगर हम केस कंसिडर करें तो लोकसभा में एट प्रेजेंट कितने सीट है, 545 सीट्स, 545 सीट्स हैं। तो हम इसमें से मान के चलते हैं कि पांच जो सीट है वो वैकेंट है, ओके। पांच सीट क्या है, वैकेंट है एंड 40 लोग जो हैं वो एबसेंट है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए सिंपल मेजोरिटी के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिडक्ट
वैकेंसी एंड एब्सेंटीज फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ। तो हम 545 में से 5 वैकेंसी एंड 40 एब्सेंटीज को डिडक्ट कर लेंगे, देन वी आर गोइंग टू गेट 500। अब हमें क्या चाहिए, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये 500 क्या हुए हमारे लिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग कैंडिडेट्स। तो इसका मोर देन 50% क्या होगा, सो वी विल डिवाइड इट बाई 2, वी आर गोइंग टू गेट 250। सो 250 से एक वोट भी ज़्यादा अगर मिल गया तो वह जो बिल है सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, ये हम कहेंगे, ठीक है। तो इस केस में कितना मिनिमम वोट चाहिए उस बिल को, 251, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये चेंज होती रहेंगी अकॉर्डिंग टू वैकेंसी एंड अकॉर्डिंग टू एब्सेंटीज। एब्सेंटीज के अंदर वो लोग भी हैं जो सदन के मेंबर तो है बट उस दिन सदन की कार्यवाही में वो नहीं पहुंचे होंगे, या फिर वो लोग भी एब्सेंटीज में काउंट किए जाएंगे जो लोग वहां पहुंचे तो बट वोटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उनको भी हम एब्सेंटीज ही कहेंगे, उनको भी हम एब्सेंटीज में काउंट करके डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल मेजोरिटी जो है लोकसभा में होगी, उसी तरीके से हम राज्यसभा में भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको वैकेंसी एंड जो आपकी एब्सेंटीज है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट उसको हम डिडक्ट कर लेंगे फ्रॉम 245, ठीक है। ये क्या है, प्रेजेंट सीट्स हैं, मैक्सिमम सीट्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही, प्रेजेंट सीट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे राज्यसभा के अंदर टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ में से हम देखेंगे कि कितने जो सीट है वो वैकेंट है उसको हम डिडक्ट कर लेंगे, एंड उसी तरीके से हम देखेंगे कितने लोग जो है एबसेंट है। तो वैकेंसी एंड एबसेंटीज को डिडक्ट करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, एंड उससे कम से कम एक सीट ज़्यादा मिला तो ही वो जो बिल है सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, ओके। अब देखते हैं कि सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल जो है कहाँ कहाँ पर होता है। सो एडमिशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। किसी भी नए स्टेट का एडमिशन जो है इंडियन टेरिटरी में करना है, या फिर नए स्टेट को फॉर्म करना है, या फिर एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उसके एरिया को अल्टर करना है, बाउंड्री को अल्टर करना है, या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट के नेम में कुछ चेंजेस लाने हैं, उससे रिगार्डिंग कोई भी जो बिल लाया जाएगा वह जो बिल है उसके ऊपर जब वोटिंग करवाई जाएगी तो वो जो वोटिंग है वो सिंपल मेजोरिटी के ऊपर बेस्ड होगी, यानी सिंपल मेजोरिटी से वो जो बिल है पास हो गया तो वह जो है कानून बन जाएगा, ठीक है। देन उसी तरीके से सिंपल ये सिंपल मेजोरिटी जो है सिटीजनशिप प्रोविजन से रिगार्डिंग कोई बिल लाया गया है उसके ऊपर जो वोटिंग हो रही है, तो अगर उस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया गया तो वो जो प्रोविजन है वो एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, ठीक है। देन रेक्टिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ पार्लियामेंट बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यानी पार्लियामेंट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है जो अंडर आर्टिकल 368 आता है। सो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब लाया जाता है, मीन्स आर्टिकल 368 के तहत जिन चीज़ों को हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काउंट करते हैं, वह बिल अगर पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया तो वैसा जो बिल होता है वो मोर देन 50% ऑफ स्टेट जो लेजिस्लेचर्स होते हैं उनके द्वारा भी पास होना चाहिए। तो वैसा कोई बिल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वह राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों के द्वारा इंडिविजुअली पास कर दिया जाएगा, तब वह स्टेट्स के पास भेजा जाएगा, एंड जो स्टेट्स हैं वो वहां पे जब वोटिंग करवाएंगे उस बिल के ऊपर तो वह जो बिल है सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया जाता है उसके ऊपर जब वोटिंग होगी तो सिंपल मेजोरिटी से अगर वो बिल जो है पास हो जाता है तो उसे पास मान लिया जाएगा। देन कोरम से रिगार्डिंग कुछ बात चल रही है पार्लियामेंट में कि कोरम जो है इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, उससे रिगार्डिंग कुछ बात चल रही है एंड उसके ऊपर वोटिंग चल रही है तो सिंपल मेजोरिटी से ही काम चलाया जाता है, ओके। देन सेंसर मोशन, कट मोशन, ये सब जो मोशंस हैं लाए जाते हैं उसके ऊपर भी सिंपल मेजोरिटी से ही बात जो है बन जाती है। देन मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, बजट, ये सब जो है उसके ऊपर भी सिंपल मेजोरिटी से ही बात जो है बन जाती है। देन सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके सापेक्ष में कोई बिल लाया गया है तो वहां पे भी जब वोटिंग करवाई जाएगी तो सिंपल मेजोरिटी देखा जाएगा सिर्फ। अगर सिंपल मेजोरिटी मिल जाता है उन बिल्स को तो वो जो बिल है वो एक्ट बन जाएंगे प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद, ठीक है। तो सेकेंड शेड्यूल क्या कहता है, तो सेकेंड शेड्यूल बात करता है अबाउट इमोलूमेंट्स। फिफ्थ शेड्यूल क्या बात करता है, तो फिफ्थ शेड्यूल जो है बात करता है शेड्यूल एरिया की, एंड सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो बात करता है ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन की। तो उनसे रिगार्डिंग कोई भी बिल अगर लाया गया है पार्लियामेंट में तो उसके ऊपर जब वोटिंग होगी तो सिंपल मेजोरिटी बस देखा जाएगा कि हाँ अगर सिंपल मेजोरिटी मिल गया उस बिल को तो वो जो बिल है वो पास घोषित कर दिया जाएगा, एंड फाइनली वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, एंड प्रेसिडेंट ने अगर सहमति दे दी देन दैट बिल इज गोइंग टू बिकम एन एक्ट।
अब देखते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर सिर्फ हमें टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस देखना है। इसके अंदर हमें कोई वैकेंसी नहीं देखनी है, कोई एब्सेंटीज नहीं देखनी है, हमें बस देखना है कि सदन का टोटल जो स्ट्रेंथ है वो कितना है। सो इसके अंदर हम कहते हैं दैट इट इज मेजोरिटी ऑफ द मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। बस आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर उन लोगों को हम काउंट करते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं बट वोट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेजेंट हैं बट वो वोट नहीं देना चाहते हैं। सो सिंपल मेजोरिटी वाले केस में क्या किया था, हमने उनको एब्सेंटीज में काउंट कर लिया था। बट अगर इस केस में कोई ऐसा है तो अगर वो सदन में प्रेजेंट है तो हम उनको जो है डिडक्ट नहीं करेंगे, यानी अगर वो वोटिंग नहीं भी करना चाहते तो भी हम उनको काउंट करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस हमें ध्यान रखना है, बाकी कोई भी चीज़ हमें नहीं देखनी है। तो इसका सबसे अच्छा प्रयोग हम देख सकते हैं जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो जो मैजिकल नंबर है वो किस तरीके से निकाला जाता है। जो मैजिकल नंबर है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, ठीक है। 545 सीट्स हैं प्रेजेंट लोकसभा में, तो उसका 1/2 कितना हो जाएगा, 272 पॉइंट समथिंग। तो नेक्स्ट जो है 273, तो 273 प्लस सीट जब मिल जाते हैं तो हम इसको कहते हैं मैजिकल फिगर है। एंड कोई भी सिंगल पार्टी जो है अगर इस मैजिकल फिगर को पा लेती है तो वो सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट जो है बनाती है, वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड कोई भी सिंगल पार्टी जो है इस मैजिकल फिगर को पा लेती है तो एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वह मिल जाती है, एंड देश के अंदर कुछ भी फर्म डिसीजन जो है ले पाना इजी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। सो इसको हम इंडिविजुअली कहीं पे यूज नहीं करते, बट इसका इम्पोर्टेंस जो है हम देखते हैं उस समय जब लोकसभा का इलेक्शन जो है किया जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी को सिंगल वे में हम यूज नहीं करते, यानी सिर्फ अकेले में हम इसको यूज नहीं करते, इसको हम स्पेशल मेजोरिटी के रूप में यूज करेंगे। मतलब एक और कंडीशन इसके साथ लगाई जाएगी, एंड वह कंडीशन मीन्स 2/3 वाली कंडीशन है वो से हम देखेंगे। 2/3 वाली कंडीशन एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाली कंडीशन दोनों अगर फुलफिल होगी तो वह जो बिल है वो पास होगा। तो ये स्पेशल जो मेजोरिटी होती है उसके अंदर इस बात को लगाया जाता है, इसका कंडीशन जो है लगाया जाता है। अदरवाइज इसको इंडिविजुअली जो है कहीं पे उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बस इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम समझ सकते हैं वो है लोकसभा का जब इलेक्शन होता है उस समय किसकी सरकार बनेगी या किसकी नहीं बनेगी वो डिपेंड करता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी के फिगर के ऊपर, ओके। देन इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी मीन्स मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव मेंबरशिप, ओके। इफेक्टिव मेंबरशिप का मतलब क्या है, अब हम समझते हैं इस चीज को। सो इसके अंदर क्या होगा कि जो स्ट्रेंथ है टोटल हाउस की उसमें से हम वैकेंसी को डिडक्ट कर देंगे। सो जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से हम वैकेंसी को जब डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो बना उसका मोर देन 50% अगर वोट मिल गया उस पर्टिकुलर बिल को तो हम कहेंगे कि वह जो बिल है वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो गया। सो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड दैट हियर वी आर डिडक्टिंग ओनली वैकेंसी, ओके। इन केस ऑफ सिंपल मेजोरिटी व्हाट वी डिड, वी सब्ट्रैक्टेड एब्सेंटीज आल्सो, बट इन केस ऑफ इफेक्टिव मेजोरिटी वी हैव टू डिडक्ट ओनली द वैकेंसी फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ओके। यह पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड इस तरीके से हमें इफेक्टिव मेजोरिटी मिल गई, एंड इफेक्टिव मेजोरिटी के अंदर फिर मतलब जितने भी लोग उस समय प्रेजेंट हैं तो उसमें से मोर देन 50% लोगों ने अगर अपनी सहमति दे दी तो वह जो बिल है वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो जाएगा। एंड ये जो वैकेंसी है वो किस तरीके से क्रिएट होती है, तो वैकेंसी जो है तीन कारणों की वजह से क्रिएट होती है, डेथ की वजह से, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, या फिर रेजिग्नेशन की वजह से। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कहा गया है इफेक्टिव मेजोरिटी को ऑल द देन मेंबर्स। तो अगर आप वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल की बात चल रही है, तो वहाँ पर बोला जाता है कि ऑल द देन मेंबर्स जो है उन्होंने अगर इस बिल को पास कर दिया तो वह जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो ऑल द देन मेंबर का मतलब होता है वहां पे बात की जा रही है इफेक्टिव मेजोरिटी की, यानी मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव मेंबरशिप ऑफ द हाउस। एंड इफेक्टिव मेंबरशिप ऑफ द हाउस क्या हुआ, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, जो सीट वैकेंट है उसको हम डिडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इस बिल को
पास होने के लिए थोड़ा सा हम डिफिकल्ट कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज यू आर गोइंग टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक डिग्निफाइड पोस्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है. लोकसभा के जो स्पीकर है उनको भी अगर रिमूव करना हुआ उनको उनके सीट से, तो हमें वहाँ पे क्या चाहिए होगी? इफेक्टिव मेजोरिटी. यानी अगर मैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के रिमूवल की बात करूँ तो हम वहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ कंसिडर करेंगे लोकसभा की, ठीक है, 545 माइनस जो सीट वैकेंट है उसको हम डिडक्ट कर देंगे, एंड बाकी जो स्ट्रेंथ बचेगा उसका मोर देन 50% अगर वोट मिल जाता है उस बिल को जो लाया गया है फॉर रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर, तो वो जो बिल है पास हो जाएगा एंड लोकसभा के स्पीकर को रिमूव मान दिया जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिचुएशन को थोड़ा डिफिकल्ट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट की पोस्ट हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, तो इसलिए इनका जो रिमूवल का प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ रखा गया, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी. देन इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं राज्यसभा से. सो राज्यसभा में टोटल सीट 245, मानते हैं कि पांच जो सीट है वैकेंट है, तो हमारे पास टोटल इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, 240. सो अभी हमें क्या चाहिए, मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव मेंबरशिप ऑफ द हाउस. तो इफेक्टिव मेंबरशिप ऑफ द हाउस कितना हो गया, 240. तो हम क्या करेंगे, 240 डिवाइडेड बाई 2, वी आर गेटिंग 120. सो 121 वोट भी अगर उस बिल को मिल गया तो वह जो बिल है वो पास घोषित कर दिया जाएगा. सिमिलरली इन द केस ऑफ लोकसभा, लोकसभा में अगर हम देखें 545 सीट्स हैं, उसमें से हम मान के चलते हैं कि पांच जो है वैकेंसी है. ये जो डिजिट्स हैं ये अलग हो सकते हैं, मैं सिंप्लिसिटी के लिए इस तरीके से ले रहा हूँ ताकि ये जल्दी से कैलकुलेट हो जाए. ओके, सो हमारे पास कितना सीट बचेगा, 540. सो इसका क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे एंड जो मिलेगा हमें आंसर उसमें कम से कम +1 करेंगे. सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 275 मिनिमम इतने सीट होने चाहिए, मीन्स इतने वोट मिलने चाहिए उस बिल को, तब जाके वो जो बिल है वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो जाएगा. ओके, सो ये था इफेक्टिव मेजोरिटी. अब देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी के अंदर तीन टाइप है. सो पहला जो टाइप है उसके अंदर बात की जाती है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली बात हमने कहाँ देखी, सो हमने देखी थी इसको सिंपल मेजोरिटी के अंदर, ठीक है. तो यहाँ पे बोला जा रहा है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ओके, सो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सो सिंपल मेजोरिटी जो था वहां पे सिर्फ मोर देन 50% की बात चल रही थी, बट यहाँ पे मोर देन 50% तो चाहिए ही चाहिए, एंड वो जो मोर देन 50% होगा वह 2/3 होना चाहिए उन मेंबर्स का जो प्रेजेंट एंड वोट डाल रहे हैं. तो लोकसभा का हम केस कंसिडर करते हैं, मानते हैं कि 540 जो लोग हैं प्रेजेंट हैं एंड उसमें से 30 जो लोग हैं वो वोट नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, ये नॉट वोटिंग हो गया, ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट हो गया. 540 लोग जो हैं प्रेजेंट है एंड नॉट वोटिंग जो है 30 लोग हैं, तो हमारे पास प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हो जाएंगे, 510 लोग. अब इसका 2/3 हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो इसका 2/3 अब जब हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 340. ओके, तो मिनिमम 340 वोट्स अगर उस बिल को मिल गया तब हम कहेंगे कि वह जो बिल है वो स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन जो है उसका क्राइटेरिया को फुलफिल किया उसने एंड वो जो बिल है वो पास घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है. अगर उस समय ये जो स्ट्रेंथ था ये अगर कम रहता तो हम जो है इसको पास नहीं कर पाते, यानी 2/3 से अगर वो कम रहता तो हम उसको पास नहीं कर पाते, वो जो बिल है वहीं पे कोलैप्स हो जाता. सो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि 2/3 मिनिमम चाहिए ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट थे एंड वोट कर रहे थे उसका 2/3 स्ट्रेंथ अगर कहता है कि यह बिल जो है पास होना चाहिए तो उस बिल को फिर पास कर दिया जाएगा, ठीक है. राज्यसभा का केस हम देख लेते हैं एक बार. सो मानते हैं कि प्रेजेंट जो लोग हैं 230 लोग हैं, जिसमें से नॉट वोटिंग जो हैं वो हो जाते हैं 20 लोग, तो हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 210 लोग. अब 210 का 2/3 हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 140. तो 140 वोट अगर मिल गए, कम से कम 140 वोट अगर मिल गए उस वो बिल को, तो वह जो बिल है अंडर स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन
पास हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इनसे कम अगर संख्या रही तो वो जो बिल है वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करेगी प्रेजेंट एंड वोटिंग कैंडिडेट्स के ऊपर, कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोग वोट दे रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगी ये बातें, ठीक है। बट ये जो स्पेशल काइंड है, स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन जो है, इसको सिर्फ दो कंडीशन में यूज किया जाता है। पहला कंडीशन है अंडर आर्टिकल 249, जब कोई बिल लाया गया है उस बिल को यह स्पेशल क्राइटेरिया जो है वह पाना पड़ेगा, तभी वो जो बिल है वो आगे बढ़ पाएगा, उसके ऊपर कानून जो है बनाया जाएगा। एंड उसी तरीके से आर्टिकल 312 जो है उससे रिगार्डिंग कोई बिल लाया गया है तो उस बिल को अगर स्पेशल मेजोरिटी मिलती है टाइप वन की तो वो जो बिल है पास हो जाएगा। सो आर्टिकल नंबर 249 क्या बात करता है, तो आर्टिकल नंबर 249 जो है वो बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में कोई बात है बट वो स्टेट लिस्ट के अंदर है, उसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो हक रखती है कि कानून जो है बना सकती है। तो उससे रिगार्डिंग कुछ कानून बनाने का बिल लाया गया तो वो जो है आर्टिकल 249 में काउंट होगा। एंड वहाँ पे उस समय जब प्रेजेंट एंड वोटिंग लोग हैं उसके 2/3 लोगों ने कहा कह दिया कि हाँ इसके ऊपर कानून जो है बनाना चाहिए पार्लियामेंट को, तब वो जो बिल है वो पास होगा। और उसी तरीके से आर्टिकल 312 जो है वो बात करता है अबाउट क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के क्रिएशन से रिगार्डिंग कोई बिल अगर लाया गया है तो उसके ऊपर जब वोटिंग होगी तो उस वोटिंग में उस बिल को क्या लेना पड़ेगा, मोर देन मीन्स नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का अगर फेवर मिल जाता है तो वो जो बिल है वो पास हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी टाइप टू। सो स्पेशल मेजोरिटी टाइप टू को अगर हम एक लाइन में समराइज करना चाहें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड जो है उसके साथ हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी को लगा देंगे। जैसा कि हमने बात किया था कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है उसको हम ज़्यादा इंडिविजुअली यूज़ नहीं करते, उसको हम स्पेशल मेजोरिटी में एक और कंडीशन के साथ लगा के यूज़ करते हैं। तो वो कंडीशन कौन सी है, तो स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन जो है उसके साथ हम जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी को लगा देते हैं तब वो हमारा बन जाता है स्पेशल मेजोरिटी काइंड टू। ओके, सो इसके अंदर दो क्राइटेरिया जो है फुलफिल करने पड़ेंगे। पहला जो क्राइटेरिया है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है उसमें से कम 2/3 लोग जो हैं एग्री करने चाहिए उस बिल के लिए, अदरवाइज वो बिल जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है, यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की बात चल रही है। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की जब बात होती है तो क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस मीन्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लोकसभा, मान के चलते हैं कि प्रेजेंट जो लोग हैं 480 लोग हैं एंड नॉट वोटिंग जो हैं वो हैं उस दिन 30 लोग। तो हमारे पास प्रेजेंट एंड वोटिंग लोग कितने हो जाएंगे, 450। इसका 2/3 हम निकालेंगे, 2/3 कितना हो जाएगा 450 का, सो वी विल गेट इट एज 300। अब 300 लोग उस दिन कम से कम उस बिल के ऊपर अपनी सहमति देते हैं तो वो जो बिल है वो पास होगा। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव जो यहाँ पे हमें क्या देखना है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर हम देखेंगे तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ज्यादा है लोकसभा के केस में। क्यों, क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी निकालते हैं लोकसभा की तो वो कितनी आती है, 545 डिवाइडेड बाई 2, सो कम से कम 273 प्लस, ठीक है, इतनी सीट्स अगर मिलती है, इतने वोट्स अगर मिलते हैं तो कहा जाएगा कि हाँ एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल गया है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 300 है, तो ये जो है ये जो 300 है ये 273 से ज़्यादा है, इसलिए ये जो कंडीशन है ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, ठीक है। पहले क्राइटेरिया को भी इसने फुलफिल किया एंड दूसरे क्राइटेरिया को भी इसने फुलफिल किया, इसलिए ये जो बिल है ये पास हो जाएगा। बट यहाँ पे एक और हम अगर कंडीशन देखें जिसके अंदर प्रेजेंट जो लोग हैं वो 400 हैं, ठीक है, ये सेकेंड कंडीशन, प्रेजेंट जो लोग हैं 400 हैं, नॉट वोटिंग जो हैं वो हैं 100 एंड हमारे पास प्रेजेंट एंड वोटिंग लोग कितने हो गए, 300। तो इसका 2/3 हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। सो
200 लोगों ने अगर उस समय वोट दिया उस बिल को, तो वो जो बिल है वो 2/3 तो उस समय प्रेजेंट एंड वोटिंग कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बट ये जो 200 है ये इफेक्टिव जो एब्सोल्यूट जो मेजोरिटी है, आई एम सॉरी, एब्सोल्यूट जो मेजोरिटी है हाउस की उससे कम है। ठीक है, 273 एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन केस ऑफ लोकसभा, तो 273 से ये जो वोट है ये कम है, इसलिए वो जो बिल है इस कंडीशन में टाइप टू, यहाँ जो सेकंड कंडीशन हमने लिया यहाँ पे ये जो बिल है ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप टू के अंदर स्पेशल मेजोरिटी के अंदर उसे दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी लाना है उस बिल को एंड मोर देन मीन्स 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग भी उसको कंडीशन सेटिस्फाई करना है। ओके इसके अंदर हम देखते हैं कि इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं अंडर आर्टिकल 368, यानी आर्टिकल नंबर 368 के तहत जिन बिल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रूप में काउंट किया जाता है, उनको जब पास कराना है तो स्पेशल मेजोरिटी टाइप टू लगती है। ठीक है, देन अगर इमरजेंसी लगाई गई है एंड इमरजेंसी को कंटिन्यू करने की बात चल रही है, तो उससे रिगार्डिंग जो बिल लाया जाएगा उसको स्पेशल मिलिट्री टाइप टू का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर उसने स्पेशल मिलिट्री टाइप टू के कंडीशंस को फुलफिल किया तभी वो जो बिल है पास माना जाएगा एंड इमरजेंसी जो है कंटिन्यू की जाएगी। उसी तरीके से रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, CAG, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, इन सबको जब रिमूव करना होता है तब स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है टाइप टू की। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी टाइप टू की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये जो पोस्ट हैं ये की पोस्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, तो ये जो लोग हैं ये अपने कार्य को सही रूप में कर सके विदाउट हैविंग एनी प्रेशर फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए इनका जो रिमूवल का प्रोसेस है उसको थोड़ा सा टफ किया गया है। टफ किस तरीके से किया गया है, टफ इस प्रकार से किया गया है कि इनको इन दोनों क्राइटेरिया से पास होना पड़ेगा, मीन्स वो जो बिल है जो इनके रिमूवल के लिए लाया गया है उस बिल को इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर उस बिल ने दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल किया तो वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको उनके पोस्ट से फिर रिमूव किया जाएगा। ओके, अब देखते हैं टाइप थ्री। तो टाइप थ्री जो है स्पेशल मेजोरिटी का, ये यूज किया जाता है फॉर इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब इम्पीच करना होता है उससे रिगार्डिंग जो बिल लाया जाता है उसके ऊपर स्पेशल मेजोरिटी टाइप थ्री की जरूरत होती है। सो इम्पीचमेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में बात किया गया है, आर्टिकल नंबर 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसके अंदर क्या चाहिए होता है, कौन सा क्राइटेरिया है इम्पीचमेंट के बिल को पास होने के लिए जो फुलफिल करना है, वो क्राइटेरिया ये है कि 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस अगर मिल जाता है उस बिल को तो वो जो बिल है पास हो जाएगा एंड दोनों सदनों में ये बिल पास होना चाहिए, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों सदनों में ये जो बिल है पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट को जो है इम्पीच घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस यानी लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसको हम कंसिडर करेंगे, 2/3 ऑफ 545। तो ये हमारे यहाँ पे क्या चाहिए होता है, हमें यहाँ पे लगेगा 364, कम से कम मिनिमम 364 लोगों ने अगर उस बिल के ऊपर अपनी सहमति दे दी तो वो जो बिल है वो स्पेशल मेजोरिटी टाइप थ्री में पास हो जाएगा। एंड उसी तरीके से राज्यसभा में वो बिल जब जाता है तो राज्यसभा में फिर हम कंसिडर करेंगे तो 245 सीट्स होते हैं, तो यहाँ पे 164 प्लस सीट्स अगर मिल जाते हैं तो वो जो बिल है अंडर स्पेशल मेजोरिटी टाइप थ्री पास हो जाएगा एंड प्रेसिडेंट जो है इम्पीच घोषित कर दिए जाएंगे अगर दोनों सदनों में 2/3 ऑफ द 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की हम बात करें, यहाँ पे हम वैकेंसी की भी नहीं बात करते, यहाँ पे हम एब्सेंटीज की भी बात नहीं करते। क्यों, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को रिमूव करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री जो है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। सो अगर ऐसे बंदे को हमें रिमूव करना है जो इतना इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है होल्ड करता है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो इस चीज़ को थोड़ा डिफिकल्ट भी बनाना था ताकि कोई मेजोरिटी में पार्टी है वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को मैनिपुलेट न कर पाए एंड अपने मर्जी से कभी भी इस बिल को, इम्पीचमेंट के बिल को ला के प्रेसिडेंट को ना रिमूव किया जाए, इसलिए ये जो चीज़ है रखी गई है एंड यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ की बात की जाती है सो दैट वहाँ पे इस चीज़ को अचीव करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेजोरिटीज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। एंड अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो बिल लाया जाता है वो कब लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया उस बिल को जो है फुलफिल करना पड़ता है, क्या प्रेसिडेंट की सहमति की ज़रूरत होती है उस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले या नहीं, उन सब चीज़ों से रिगार्डिंग जो बातें हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।